हेलो नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आज का जो अपना टॉपिक है वो 309 अटैम्प्ट टू कमिट सुसाइड, जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है। भी जो कोई अपने आप को खुद ही मारना चाहता है तो वो भी एक क्राइम की कोटि में आता है। तो हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। हूएवर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, कोई सुसाइड कमिट करता है, डज एनी एक्ट, कोई ऐसा एक्ट करना चाहता है टुवर्ड द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, ये जो है ना अपराध की कोटि में होगा। भी कोई व्यक्ति है ना भी अपने आप को ही मारना चाहता है तो ये भी एक क्राइम माना जाएगा। एक इसका केस है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें साफ ही कहा गया है कि भी हम सब ही स्टेट की प्रॉपर्टी हैं, कोई भी इसे अपने आप को ख़त्म या मार नहीं सकता। तो कोई ख़त्म करेगा या अपने आप को मारना चाहेगा, खुद को ख़त्म करना चाहेगा तो वो एक क्राइम की कोटि में आएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, जैसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2070 का सेक्शन है 115, तो इसमें बताया गया है कि भी अगर कोई सीवर स्ट्रेस में है, वो अपनी जो आत्महत्या करता है तो वो किसी भी क्राइम की कोटि में नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई ये कोई साबित कर दे, कोर्ट में ये साबित कर दे कि वो उसको कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं था तो उसने जानबूझ कर अपनी जो आत्महत्या की है, तो फिर वो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की कोटि में आएगा और उसको इस ऐसा करने के लिए उसको वो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या होगी वो मैं बताना चाहूँगा। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू वन ईयर और विद फाइन और विद बोथ, एक साल तक की सजा होगी अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करेगा, और विद फाइन दोनों से ही को पनिशमेंट मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जैसे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।